चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर अलर्ट किया गया है। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, जुकाम जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। भारत सरकार ने भी देश में सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाई और टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, टेस्ट किट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की कार्य क्षमता आदि की समीक्षा करने को कहा गया है। आज बुधवार को प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाइयां और टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित तमाम उपकरणों को जांचा जाएगा। मॉक ड्रिल की रिपोर्ट प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को भी भेजी जाएगी। देखिए, चीन में रहस्यमय बीमारी को लेकर के देश सहित प्रदेशों में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार और जुकाम जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने भी देश में सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता बरतने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाई, टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, टेस्ट किट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की कार्य क्षमताओं की समीक्षा आज यहां पर की जाएगी। सभी अस्पतालों में टीम जाएगी और मॉक ड्रिल यहां पर की जाएगी। व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा कितना तैयार हैं हॉस्पिटल इस रहस्यमय बीमारी को लेकर के। सभी की जाँच आज की जाएगी। चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर के देश सहित प्रदेशों में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश यहां पर जारी किए हैं। आज बुधवार है और प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा कितने तैयार हैं हमारे हॉस्पिटल इस रहस्यमय बीमारी को लेकर के। इस चीज को लेकर के सभी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल भी की जानी है। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाई, टीके, मेडिकल आदि की जांच की जाएगी।